अगर आपको जानवरों से मस्ती करना पसंद है तो कोई बात नहीं, आप उनसे मस्ती कर सकती हैं। लेकिन अगर सामने बंदर हो तो जरा संभल कर, क्योंकि इन बदमाश जानवरों का कोई भरोसा नहीं। जैसे कि यहाँ इस बच्ची को देखिए, जो पता नहीं कैसे कैसे इशारे करके बंदर को उकसा रही है, जिस कारण बंदर भाई की भी सटक गई और उसने डायरेक्ट इस लड़की को अपनी पोटली फेंक कर दी, जिसके बाद तो भाई बेचारी बच्ची का मुँह देखते ही बनता है। हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? अरे इधर क्या मदरी का खेल हो रहा है, हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। कोई भी जानवर अगर आपस में झगड़ा कर रहे हो तो किसी जानवर या इंसान को उनके लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इस बात को कुत्ते कहाँ समझते हैं। जैसे कि यहाँ इन दो बिल्लियों का आपस में लफड़ा हो चुका है और इनकी फाइट शुरू होने ही वाली होती है कि तभी सामने से कुत्ता वहाँ आता है और इनका लफड़ा सुलझाने की कोशिश करता है, पर इनमें से एक बिल्ली ने कुत्ते को ही एक चपाट धर दी, जिसके बाद तो भाई कुत्ते की भी अकल ठिकाने आ गई और वो वहाँ से फौरन भाग निकला। तो क्यूटू है यार। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। लात पड़ेगी पिछवाड़े में, समझ गया ना? तो बाबू भैया आप चलिए, चलिए ना बाबा। ठीक है, पुलिस को बताऊं और तब पता चलेगा। भाग रे। अब जरा इस शेर को देखिए, जो कितने आराम से पानी के बीचों बीच इस चट्टान पर सोते हुए चिल करने में मस्त है, जिसे देखकर तो यही लगता है कि भाई असली मजे तो इसी के हैं। लेकिन जरा रुकिए जनाब, क्योंकि कुछ ही देर में गेम पलटने वाला है, क्योंकि सामने से हिपोच की गैंग उसकी बैंड बजाने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं और वहाँ पहुँचते ही भाई एक हिपो ने शेर पर हमला ही कर दिया, जो कह रहा होगा, साले तू हमारे इलाके में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। क्या रे, निकले यहाँ से, रेलवे स्टेशन है क्या, चलो उठो यहाँ से। ये साला भाड़ा हम लोग भरते हैं, आके ये लोग सोते हैं रे। जा रहा हूँ। अकेला शेर है और ये पोस से पंगा लेना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। वैसे तो टर्टल काफी शांत और मासूम लगते हैं, पर इनमें भी कहीं ना कहीं दूसरों को उंगली करने का कीड़ा होता ही है, फिर चाहे सामने कोई बड़ा जानवर ही क्यों ना हो, ये उससे भी नहीं कतराते। जैसे कि यहाँ ये टर्टल खाली फोकट में कुत्ता भाई को परेशान कर रहा था, जिसके चलते कुत्ते ने उसे छोटी सी लव बाइट देकर छोड़ दिया, जो कि इस टर्टल के लिए एक वार्निंग थी। लेकिन इसके बाद तो टर्टल का पारा और चढ़ गया और वो कुत्ता भाई पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जो पता नहीं कौन कौन सी गालियां देने की कोशिश कर रहा है। कूतरे साला, अरे तू क्या कर रहा है ये? बाल बाल बच के अरे देवा, तू क्या मुझे मार डालना चाहता है? बात ना, बात में अभी टाइम नहीं, बात में तू रोकेगा मेरे को, मेरे को तू रोकेगा। प्यारा सा है, डरता है क्या, बोलेगा नहीं क्या? अबे मुंह में जबान नहीं है क्या तेरे? दम नहीं है, खोखला हो गया तू, तेरी आंखों में डर दिख रहा है। दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। बोलना चाहिए था, पड़ोसी है ना। नहीं 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 नहीं, समझ में आया, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बात तो सही है। दोनों किसी भी जानवर के लफड़े के बीच में आना कुत्तों को कुछ ज्यादा ही पसंद है, क्योंकि ये किसी भी झगड़े के बीच पहुंच ही जाते हैं। जैसे कि यहाँ ये कुत्ता डायरेक्ट बाघ और शेर की लड़ाई के बीच कूद गया, जहाँ कुत्ते ने तो भाई बाघ को खींच कर साइड में कर दिया और झगड़ा न करने का ऑर्डर दिया। लगता है कि इस जू में इस कुत्ते भाई की फुल दादागिरी चलती है, लेकिन फिर भी ये दोनों वहाँ से रुकने का नाम नहीं ले रहे। अभी तेरे को फोटा लूं मैं, क्या तेरे को क्या फुग्गा दिखता हूँ, फोड़ेगा तू मुझे, पकड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने दे मेरे को, अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा, ओए अभी तेरे को दिखाएगा तू, मेरे को जानता नहीं है, कुत्ते में बहुत दम है कसम से, डॉगी को बहुत ज्यादा ब्रेव है यार। दोस्तों यहाँ ये मक्खी सिमोजी को असली वाली पोटी समझ बैठी है और उसे खाने की कोशिश में लगी हुई है, जहाँ दोस्तों इंसान के दिमाग का क्या ही कहना, जो कि एक मक्खी के साथ भी प्रैंक कर दिखाया।